दोस्तों यदि आप कोई भी सामान किस्त पर यानी कि ई पर खरीदना चाहते हैं और आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है आप लोग बजाज का ई कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों बजाज का ई कार्ड आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको हम बजाज ई कार्ड अप्लाई करने का कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं दोस्तों बजाज का ईएमआई कार्ड लेने के बाद आप लोग इस कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन इसके अलावा ऑफलाइन दोनों शॉपिंग कर सकते हैं चलिए आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाते हैं दोस्तों आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए और सर्च कर लीजिए बजाज फाइनेंस चलिए सर्च कर लेते हैं आप यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे बजाज फाइनेंस यहाँ पर देखिए आ जाएगा बजाज आप इस पर क्लिक कर लेंगे अब आपको इस तरीका से ओपन हो जाएगा मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है आप लोग क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है ई कार्ड तो आप यहाँ पर ई कार्ड पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बजाज का ई कार्ड अप्लाई करने के लिए आ गया है तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बताया गया कि यदि यह कार्ड आप बनवाते हैं तो आपको दो लाख रुपए तक का यहाँ पर क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा इसके अलावा यहाँ पर देखिए बताया गया कि इंस्टेंट अप्रूवल एंड एक्टिवेशन इजी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन शॉपिंग तो आप लोग इस कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन साथ ही ऑफलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर देखिए बताया गया है कि बजाज ईएमआई कार्ड के साथ जो ब्रांड का टाइप है यहाँ पर देखिए उसका लिस्ट दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं फ्लिप और एमेजोन का भी नाम है तो आप लोग फ्लिपकार्ट और एमेजोन से बजाज के ईएमआई कार्ड से आप लोग ऑनलाइन कोई भी सामान ईएमआई पर खरीद सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर देखिए मल्टीपल कैटेगरी दिया गया है तो आप यहाँ से भी ऑनलाइन कोई भी सामान खरीद सकते हैं इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आप इस कार्ड से नो कॉस्ट ईएमआई पर कोई भी सामान खरीद सकते हैं यानी कि ईएमआई पर कोई भी सामान खरीदने पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि बजाज का एक लाख से अधिक ऑफलाइन पार्टनर है तो आप वहाँ पर से भी ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हैं ई पर कोई भी सामान ऑफलाइन खरीद सकते हैं यह कार्ड तुरंत ही एक्टिवेट हो जाता है यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बजाज का ई कार्ड बनवाने के लिए आपको एक बार पाँच पे करना होगा उसके बाद इस कार्ड का सालाना चार्ज यानी की साल में एक बार एक सौ लगता है यदि आप बजाज ई कार्ड से कोई भी सामान ई पर खरीदते हैं तो फिर आपको जो इस कार्ड का एनुअल फी एक सौ होता है वह आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है चलिए अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे चलिए मोबाइल नंबर फिलअप कर लेते हैं इसके बाद आप गेट इट नो पे क्लिक करेंगे अब दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर ओ आया होगा तो आप यहां पर ओ टी पी को फिलअप करेंगे यदि ओ नहीं आता है तो जो टाइम यहां पर चल रहा है इस टाइम के बाद आप रिसेंट ओ कर सकते हैं दोबारा से ओ ले सकते हैं चलिए हम ओ टी पी फिलअप कर लेते हैं ओ टी पी फिलअप करने के बाद आगे का प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है सबसे पहला तो यहाँ पर है फुल नेम तो यहाँ पर आप अपना पूरा पूरा नाम फिलअप करेंगे इसके बाद यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लीजिए डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए आप इस कैलेंडर के अकाउंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डेट मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद यहाँ पे आप अपना पैन नंबर फिलअप करेंगे इसके बाद यहाँ पे आप अपना एरिया का पिन कोड अप करेंगे चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर है इम्प्लॉयमेंट टाइप तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है सैलरी यदि आप कहीं जॉब करते हैं सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरी सेलेक्ट करेंगे लेकिन यदि आप जॉब नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे चलिए इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड इसके बाद यहाँ पर है जेंडर तो आप मेल है फीमेल है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे चलिए हम जिसका अप्लाई कर रहे हैं कार्ड वह फीमेल है तो हम यहाँ पर फीमेल सेलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे अब दोस्तों देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक लाख पच्चीस हजार रूपए का यहाँ पर क्रेडिट लिमिट मिला है यानी कि हम बजाज का ईएमआई कार्ड यहाँ पर लेते हैं तो हमें एक लाख पच्चीस हजार रूपए तक का कोई भी सामान ईएमआई पर खड़ी सकते हैं तो जो भी लिमिट यहाँ पर दिया गया है या बाद में बढ़ जाता है इसके कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है यू आर जस्ट टू स्टेप अवे तो यहाँ पर दो स्टेप के बाद आप यह कार्ड आपको मिल जाएगा चलिए इसके बाद आप यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर देखिए के वेरिफिकेशन के लिए आ गया है तो यहाँ पर सबसे पहला है आधार नंबर तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे इसके बाद यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इसको आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिए यदि कैप्चा समझ में नहीं आता है तो आप इसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे अब आपके आधार नंबर के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओ आया होगा तो आप यहाँ पर ओ को फिलअप करेंगे चले फिलअप कर लेते हैं इसके बाद आप यहां पर सबमिट पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखिए आपके आधार कार्ड में जो भी फोटो लगा है यहाँ पर वह आ जाएगा इसके बाद यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर दिया है वह मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ शो करेगा इसके अलावा यहाँ पर देखिए नीचे में आपका एड्रेस शो करेगा तो जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस रहता है वही एड्रेस यहाँ पर भी शो करता है यदि आप एड्रेस को चेंज करना चाहते हैं तो अपडेट एड्रेस पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं इसके बाद आप यहां से कंफर्म पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों यहां पर देखिए आ गया है टोटल कार्ड लिमिट एक लाख पच्चीस हजार रूपए का हमें यहां पर टोटल कार्ड लिमिट मिला है हो सकता है कि आपको इससे कम मिले या फिर ज्यादा मिले इसके बाद यहां पर देखिए लिखा है फर्स्ट ट्रांजेक्शन लोन लिमिट यहाँ पर हमें पहला ट्रांजेक्शन लिमिट पचास का मिला है यानी कि हम पहली बार पचास तक का कोई भी सामान ई पर इस ई कार्ड के माध्यम से खरीद सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर देखिए बताया गया है कि पार्टनर स्टोर पर आप लोग इस कार्ड के माध्यम से ई पर कोई सामान खरीद सकते हैं इसके अलावा बजाज फिनसर्व का ऑनलाइन स्टोर है आप लोग बजाज फिनसर्व के ऑनलाइन स्टोर से भी इस ई कार्ड के माध्यम से कोई भी सामान खरीद सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर ई कॉमर्स e पार्टनर तो जितने भी ई e कॉमर्स पार्टनर है जैसे कि मैंने आपको बताया शुरू में ही फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से भी आप लोग इस ई कार्ड से कोई भी सामान खरीद सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर देखिए बताया गया कि इस कार्ड के लिए आपको पांच सौ पे करना होगा यहाँ पर देख सकते हैं चार सौ उनचास रूपए कार्ड काफी है और जी एस टी एक्सी रूपए यानी की टोटल आपको पांच सौ तीस रूपए पे करना होगा चलिए इसके बाद आप यहाँ पर पे नॉ पे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखिए पेमेंट करने के लिए आ गया तो आप यहाँ पर कई तरीके से पेमेंट कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर यूपीआई नेट बैंकिंग वॉलेट डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, जो कि पाँच सौ आपको पेमेंट करना है एक बार यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए जो पाँच सौ तीस रूपए यहाँ पर आपको पे करना पड़ रहा है ये आपको कार्ड का चार्ज है जो कि एक ही बार आपको कार्ड का चार्ज लगेगा उसके बाद आपको सालाना चार्ज एक सौ बीस रूपए है लेकिन यदि आप बजाज ई कार्ड से कोई भी सामान परचेज करते हैं तो फिर एक सौ आपको यहाँ पर चार्ज कार्ड का चार्ज नहीं लगता है चलिए हम यहाँ पर वॉलेट को सेलेक्ट कर लेते हैं और पेटीएम के माध्यम से पाँच सौ का पेमेंट करेंगे इसके बाद पे ओ पे क्लिक करेंगे मेक पेमेंट पर क्लिक कर लीजिए अब यहाँ पर आपने जो मोबाइल नंबर से पेटीएम अकाउंट बनाया है वह मोबाइल नंबर फिलअप करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे अब आपके मोबाइल नंबर पर ओ आया होगा तो आप यहाँ पर ओ टी पी फिलअप करेंगे और, और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आ गया है तो हम यहाँ पर आप यहाँ पर पेमेंट कर लीजिए अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है आपको यहाँ पर ना तो बैक करना है और ना ही रिफ्रेश करना है अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है पेमेंट सक्सेसफुल तो आपका यहाँ पर पेमेंट हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेसफुल यानी कि यह पेमेंट हो चुका है आप यहाँ पर व्यू कार्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बजाज फिनसर्व का ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है तो आप यह अपने मोबाइल में डाउनलोड करके बजाज ई कार्ड को अपने मोबाइल में देख सकते हैं और कहीं भी बजाज ई कार्ड को यूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर उससे पहले आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद यहाँ पर आई एफ कोड आपको यहाँ पर आई एफ कोड फिलअप करना होगा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आप बजाज ई कार्ड से जो भी सामान खरीदेंगे उसका जो ई पेमेंट होगा जो भी आप यहाँ पर बैंक अकाउंट का डिटेल फिलअप करेंगे उसी बैंक अकाउंट से ई ऑटोमेटिक पेमेंट होगा तो जो भी आप बैंक अकाउंट को इसके साथ लिंक करना चाहते हैं उसका डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है जैसे कि यहाँ पर आई कोड इसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा अकाउंट टाइप तो आप जो बैंक अकाउंट का डिटेल यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं वह कौन सा अकाउंट है सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे जैसे आप यहाँ पर आई एफ एस सी कोड फिलअप करते हैं यहाँ पर देखिए ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर है पी के सुटेबुल रजिस्ट्रेशन मोड आप यहाँ पर दो तरीका से बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं सबसे पहला है यहाँ पर नेट बैंकिंग दूसरा यहाँ पर है डेबिट कार्ड चलिए हम यहाँ पर नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर देखिए इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए आ गया है चलिए हम यहाँ पर पे इंटरनेट बैंकिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं अब दोस्तों हम यहाँ पर स्टेट बैंक का इंटरनेट बैंकिंग का डिटेल फिलअप कर लेते हैं इसके बाद इस बॉक्स में टिक कर लेंगे और एस पर क्लिक करेंगे अब आपने जो नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं तो आपके मोबाइल पर ओ आया होगा तो आप यहाँ पर ओ टी पी फिलअप करेंगे और कन्फर्म पे क्लिक करेंगे जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए पेमेंट यह हो चुका है यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल और यहाँ पर पेमेंट का डिटेल आ चुका है अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कार्ड का डिटेल शो कर दिया है यहाँ पर एक्टिव लिखा है कार्ड स्टेटस में साथ ही यहाँ पर कार्ड नंबर का लास्ट का चार अक्षर शो कर रहा है तो यदि आप कार्ड का डिटेल पूरा पूरा देखना चाहते हैं तो बजाज बजाजर्व का मोबाइल ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा जैसे आप डाउनलोड करेंगे उसमें आप मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉग करेंगे तो आपको कार्ड का डिटेल शो कर देगा आपको आने वाले वीडियो में आपको हम बजाज फिंसर्व के ऐप में किस तरीका से आप लॉगिन करेंगे इसके अलावा बजाज ईएमआई कार्ड का डिटेल आप किस तरीका से चेक करेंगे इसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में ऑल जरूर कर लीजिए तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग बजाज का ईएमआई कार्ड घर बैठे बना सकते हैं मैंने आपको डिटेल में बता दिया है आपके मन में कोई सवाल लगता है तो कमेंट करना मत भूलिएगा फिर मिलता अगले वीडियो में तब तक, तक के लिए बाय टेक केयर